लगती है, शायद आप करते होंगे। तो आप अपने शॉर्ट हैंड स्टोनो में, आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग और ये सब चीज़ें आती हैं, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, तो आप इन चीज़ों पे जितना हो सके उतना फोकस करें तो आपकी स्टोनो की तैयारी अच्छी हो सकती है। और कोई आपकी बात हो तो मैं आपकी बात को रख सकता हूँ यहाँ पे, अगर आप आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मैं कुछ जवाब दे सकता हूँ। और जितने भी आईटीआई और स्टूडेंट डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं वो प्रिया जल्दी से जल्दी लाइव आएँ ताकि हम उनके बीच अपनी बातें रख पाएँ। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। गौरव जी आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। तो मैं डिप्लोमा स्टूडेंट के बच्चों के लिए कुछ बातें कहना चाहता था और आईटीआई वालों के लिए, तो डिप्लोमा वाले बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि वो जितने ही बच्चे हैं वो अपने टेंशन को डिप्रेस ना हो, जितना उन्होंने पढ़ाई करा है, कुछ भी करा है, पढ़ाई करके जितना भी तैयारी करा है, कुछ भी जितने भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं अब तक, वो उन नोट्सों को ध्यान से पढ़ें। और मैंने जो वीडियो लेक्चर्स दे रखे हैं उस पर छोटे छोटे टॉपिक हैं, 5 5 मिनट, 6 6 मिनट, 7 7 मिनट के, उन वीडियो लेक्चर को देख लो छोटे छोटे। और मैं आप लोगों को पीडीएफ जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, वीडियो लिंक दे दूंगा मैं आप लोग, वीडियो में जितने वीडियो उनके अंदर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिससे आप बीडब्ल्यू के नोट्स, मशीन के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप ध्यान दे पाएंगे उन पर। तो जितना भी हो सके आप, अगर आपके एग्जाम करीब आने वाले हैं इसलिए आप लोग अपनी जितनी स्टडी फोकस करें पढ़ाई पे, और पढ़ाई ज़्यादा ना करें, टेंशन लेके ना करें, पढ़ाई को ज़्यादा टेंशन लेके ना करें, आप दिमाग को रिलैक्स दें जितना हो सके, रिलैक्स दें, अच्छी नींद लें, कम से कम 8 घंटे की नींद लें, और कुछ तली भुनी चीज़ें कम खाएं ताकि आपकी सेहत फिट रहे, ठीक है। तली भुनी चीज़ें हुई, और देखिए आप खाने में हल्का दूध वगैरह ले सकते हैं, छाछ वगैरह ले सकते हैं दिन में, और सुबह नाश्ते में हल्का नाश्ता करिए, और स्टडी को आप जितना हो सकता है टाइम दीजिए, और रिवीजन पे ध्यान दीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको आप लगाइए और लिख के देखिए, कुछ माइंड में जो आपके क्वेश्चंस क्लिक कर रहे हैं उनको भी एक बार आप, जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन हाँ जी, एक और बात कहना चाहूँगा, जो नई चीज़ें हैं, न्यू क्वेश्चंस हैं, उन पर आप फोकस ना करें ज़्यादा, क्योंकि जो आप नए नए क्वेश्चन जो आपने पढ़ा नहीं है, वो नए क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो आपके जो पुराने जो आप पढ़ रहे थे उसकी वजह से आपका दिमाग डिस्ट्रेस हो जाएगा, जिस वजह से आपको पिछले क्वेश्चन जो हैं वो भी समझ में नहीं आएंगे, उनसे ध्यान भटक जाएगा। तो जो आप क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, टीचर ने आपको पढ़ा रखा है, उस पर फोकस करें जितना हो सके, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रिकल या आईटीआई कर रहे हैं बच्चे, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट, वायरमैन, इन सबका लगभग सिलेबस सेम होता है, तो इस वजह से मैं इन सब लोगों से कहना चाहूँगा कि वो अपने स्टडी पे अपने नोट्स को प्रिपेयर जो किए हुए हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मैं एक साइट बताऊँगा सबसे, जो आईटीआई के लिए निमी 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 पे आप जाइए, निमी डालिए, निमी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उस पर आप डालेंगे निमी मॉक टेस्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, तो उस पर आपको पूरी पीडीएफ, आपको मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा फुल, आप जिस थ्योरी का लगाना चाहते हैं, ड्राइंग का, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, वर्कशॉप या वर्कशॉप कैलकुलेशन, जितने भी हैं आपको टोटली सब मिल जाएंगे आपको एक साथ, ठीक है। तो और डिप्लोमा स्टूडेंट जितने हैं वो अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रखें और तैयारी करते रहें, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करें और अच्छे से देखें, ठीक है दोस्तों। तो आज का बाद आज यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तो आप लोग ध्यान रहे कि ये अच्छे से तैयारी करें, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले अगले दिन कभी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे आगे, ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।